छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला, जहां एक गांव ऐसा है जहां की सड़क खेत का काम कर रही है। कीचड़ और पानी से इतनी लबालब है कि लोग धान की रुपाई तक इस सड़क पर कर रहे हैं। गांव वालों ने यहां कब्जा नहीं किया बल्कि सिस्टम को जगाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। देखिए खस्ताहाल सड़क को लेकर आई हमारी ये रिपोर्ट। बारिश शुरू हुई तो धान की रोपाई शुरू हो गई। लबालब पानी है और धान रोपने के लिए मिट्टी भी खूब गीली है। बेशक ये धान की रोपाई है, लेकिन जरा गौर से देखिए, ये खेत नहीं बल्कि ये सड़क है। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि धान लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और यही देखते हुए ग्रामीणों ने धान की रोपाई करके सिस्टम को जगाने की कोशिश की है और धरती माता की पूजा कर जल्द से जल्द सड़क बनवाने की कामना की। हमारे गाँव के सरपंच और राजनीति कर रही है नेता मल्ला, जागरूक कर ताकि हमारे गांव का रोड बने। जहां कवर्धा जिले के पंडरिया विकास खंड के ग्राम पलानसरी में इस वक्त विस्तार न्यूज की टीम पहुंची हुई है, जहां ग्रामीणों के द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां सड़क की मांग को लेकर इनके द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं जिनके द्वारा लगातार एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पे सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि चलने लायक नहीं है। ये कबीरधाम जिले के पलानसरी गांव की सड़क है जिसकी आबादी 5000 से ज्यादा है। जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए 10 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्हें ये कदम क्यों उठाना पड़ा, ये तो तस्वीर आप देख लीजिए। ये हाथियों के कुश्ती करने का अखाड़ा नहीं, वही सड़क है जिस पर ग्रामीण धान लगा रहे हैं। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो हालत कुछ ऐसी होती है, कोई गिरता है तो कोई कमर तक कीचड़ से सना रहता है और लौट कर घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। अरे रोड में हमला चले के कोई सुविधा नहीं है और दूसर में आना जाना में हमला बहुत तकलीफ होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे मन स्कूल नहीं जा सके और हम संग में धर के लेकर हम हमारे खेती किसानी नहीं हुए, एकर नाम से इतना परेशानी कि बहुत ज्यादा है। सड़क बनना चाहिए, 5 साल हो गए, एमा माटी तक से नहीं पटा है और हमन खातू माटी धर के आथन जाथन तबो हमन ला परेशानी होते, खेत खर जाता नहीं बना और गिरत अब तक जाथन आथन। एक महिला के पैर भी है टूट गए हवा, मतलब वह 10-12 दिन हो गए है टूटे और हमारे लड़का मन स्कूल भी नहीं जा सका, बार बार वाला ले जाना पड़ते। ग्रामीणों का कहना है कि परेशानियों का कोई पार नहीं है, लेकिन सरपंच सचिव से लेकर किसी ने भी उनकी तकलीफों को समझने की कोशिश नहीं की। आज ये सड़क ला बने 20-25 साल मिट्टी डलाए हो गए, परन जेन भी सरकार आई, जेन भी सरपंच पंच बनी, आज तक के माँ एक ट्रैक्टर मुरुम नहीं डले। हमन इसने खल और विचित्र कीचड़ रही, सब किसान मिल के अनुदान में मुरुम गिट्टी डलवाए। यहाँ सबे घर में 4-5 लड़के है पढ़ैया लड़के, वो अभी तक रेगुलर स्कूल नहीं जा पावे बरसात में, और बरसात के दिन के होते आप मन तो जाना था, कोनो दिन दाई दादा मन धर के लेके जाते, कोनो दिन अकेला जाते, गिर पड़ते ड्रेस बना जाते तो खर वजह से वो वापस हो जाते। विस्तार न्यूज ने अधिकारियों के सामने गाँव वालों का दर्द बयां किया तो अधिकारियों ने जल्द ही सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दे दिए। जो है गली जो सड़क है उसमें पानी भर जा रहा है और उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, पर वहाँ पे जो आपने गली का बताया है उसमें एक या दो ही घर के आ रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने तत्काल संज्ञान लिया जनपद सीओ के द्वारा, जो है उसमें आज की स्थिति में मुरुम ढलाई करके उसमें जो है एक मुरुम सड़क के निर्माण किया जा रहा है, जिससे जो है आने वहाँ जो परिवार है 2-4 परिवार जो है उस गली में, उनको जो है सुविधाजनक रास्ता मिल सके। उम्मीद है अब ये सड़क धान बोने के लिए नहीं बल्कि लोगों की राह आसान करने के लिए होगी, क्योंकि सड़क की ऐसी हालत पूरे 2 किलोमीटर में है जहां से ग्रामीणों की 24 घंटे आवाजाही होती है, लिहाजा परेशानी बहुत है और इसका समाधान धान में नहीं बल्कि रोड के निर्माण में है। विस्तार न्यूज के लिए हिमांशु सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। तो देखा आपने गाँव वाले जर्जर सड़क से कितने परेशान है, अगर सुनवाई होती तो शायद उन्हें कीचड़ में उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उम्मीद है अब जिम्मेदार जागेंगे और गांव के लोगों को एक अच्छी सड़क मिलेगी।